ओके सो हे गाइस, स्वागत है तुम लोगों की ब्रांड न्यू वीडियो में। तो भाई आज हम लोग न्यू जर्नी स्टार्ट करने वाले हैं। इस गेम का नाम है पोकेमोन ड्रैगन स्टोन। और भाई मैंने इतनी सारी कर दी हैं, लेकिन भाई मैंने कमबैक करा है। मतलब मैं इतने दिनों बाद मैंने वीडियो डाली है, मैंने वीडियो डालना छोड़ दिया था क्योंकि थोड़ा डिमोटिवेट था मैं, और मेरे एग्ज़ाम्स भी आ गए थे। अभी भी चल रहे हैं लेकिन मैं आ गया हूँ, फिर भी मैं वीडियो डाल लेता हूँ टाइम मिल रहा है तो। बाकी इसके भाई एपिसोड आते रहेंगे, तुम लोग बताना तुम लोग को इस सीरीज़ कैसी लग रही है और तुम लोग को और चाहिए या नहीं ये भी बताना। तो भाई ये आई थिंक न्यू गेम है कुछ तो, पोकेमोन स्टोन ड्रैगन, क्योंकि मैंने इसका नाम पहली बार सुना है। मैंने तो देखा, मैंने गलती से गैरी को चूज़ कर लिया है। इसको हटा नहीं सकते? अरे यार भाई ऐश 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 ही नाम रखूँगा लेकिन इसका। मैंने बातों बातों में ना गैरी गैरी को ले लिया और उसका नाम ऐश रख दिया। ठीक है, तो ये हमारा राइवल है और इस राइवल का नाम भाई पॉल था, तो हम इसका नाम पॉल ही रखेंगे और सही रहेगा क्योंकि इसका नाम पॉल ही था। ओके, और भाई मैंने ना इसको इंग्लिश में डाउनलोड करा। अगर तुम लोग को भाई इसका डाउनलोड लिंक वगैरह चाहिए तो मेरे को कमेंट करके बताना, मैं वीडियो ले आऊँगा। हाँ हम तो बैठे इसलिए हैं वीडियो लाने के लिए, तो तुम लोग बस बोलो और मैं ले आता हूँ। और चलते हैं भाई, नीचे ही जाना है क्योंकि प्रोफेसर लोग हमारा वेट कर रहे हैं। और यहाँ से वेट, आई वुड लाइक टू बैटल विथ यू। भाई मेरे पास वो ही नहीं है, पोकेमोन ही नहीं है। ठीक है भाई, मेरे पास पोकेमोन ही नहीं है तो ये कैसे लड़ लेगा। आई एम सॉरी बट आई कैंट वेट फॉर यू। ठीक है, मैंने उससे बोला कि रुको अभी मैं पोकेमोन लेके आता हूँ, बट वो नहीं रुका, डर गया। कोई ना, हेलो वेलकम टू माई लेबोरेटरी ऐश। थैंक यू प्रोफेसर ऑक, कैन यू गिव मी पोकेमोन नाउ? ओके काम डाउन, फर्स्ट आई विल इंट्रोड्यूस यू थ्री स्टार्टर पोकेमोन। दिस इज चार्मेंडर, दिस इज टर्टविक। भाई फ्रॉकी है और चार्मेंडर है। यार मेरा मन तो है ना चार्मेंडर लेने का, बट मैं ना फ्रॉकी लूँगा क्योंकि यहाँ पे ना फायर टाइप पोकेमोन बहुत आएंगे तो हमें दिक्कत होगी। सो या दैट्स वाई। चलो अब चलते हैं भाई, अभी एक तो वो मिलेगा भी नहीं अभी अपने पॉल वगैरह। चलो यहाँ से हम लोग को आगे जाना आई थिंक, और भाई यहाँ पे रिपेल वगैरह नहीं है अभी, तो मैं थोड़ा सा लेवल अप वगैरह कर लेते हैं यार इससे, क्योंकि हमें लेवल की बहुत ज़रूरत पड़ेगी, तो बबल करते हैं इस पर। ठीक है, क्योंकि अभी हो सकता है भाई आगे चल के पॉल से हमारी बैटल हो, तो हम लोग को ट्रेनिंग पहले सी रखनी चाहिए। यार मेरे को बताना यार इसमें चार्मेंडर मिलेगा या नहीं मिलेगा। मेरा मन था चार्मेंडर लेने का ही, लेकिन भाई मैंने थोड़ा बहुत खेला था ना ट्राई करने के लिए, तो आगे भाई बहुत सारे फायर टाइप पोकेमोन आ रहे थे जो चार्मेंडर उसको हरा नहीं पा रहा था क्योंकि वो भी फायर टाइप थे, तो इसलिए भाई। बाकी इसलिए मैं इसको भी ट्रेन कर रहा हूँ फ्रॉके को, कि यहाँ के बहुत सारे फायर टाइप पोकेमोन हैं। और यहाँ पे अभी हम लोग जिम लीडर से भी मिलने वाले हैं, मैं पूरे भाई रिसर्च करके आया हूँ, तो ताकि एपिसोड में कोई दिक्कत ना हो, हम लोग भटके ना इधर उधर। ठीक है, तो फ्रॉके ने कर लिया यहाँ से, और अभी यहाँ से चलते हैं। ये रेस्ट कर रहा है, मेरे को पता है यहाँ पे ना एक पोशन है। हाँ पोशन मिलेगा। चलो और भाई यहाँ पे ना एक बैटल है, मैं सोच रहा हूँ बैटल अभी नहीं कर रहा है। यहाँ पे भाई एक पिकाचू और पड़ा है भाई, ये पिकाचू हर कहीं है लेकिन। भाई मस्टैंग क्या नाम था इसका? भाई मस्टैंग ही नाम है भाई, ये तो गाड़ी का नाम है। हेलो वेलकम टू द पोकेमोन। ओ ये पोकेमोन सेंटर था, मेरे को लगा कुछ और है। अरे भाई दोबारा क्यों कर दिया मैंने, दो दो बार हील करवा ली फिर से लगाया। भाई क्या पागला मगला हो गया भाई मैं। चलो यहाँ भाई यहाँ पे मार्ट शॉप है कि मतलब, और यहाँ पे शायद जिम है। वो देखो भाई पॉल आ गया, मैंने क्या बोला था भाई पॉल वापस आएगा। ऑल राइट आई वॉज वेटिंग फॉर दिस मोमेंट। हाँ भाई हम तो वेट ही कर रहे हैं, पर यार मेरे को ना ऐश चाहिए था यार। चलो कोई ना, लेकिन और यार भाई इसके पास तो एडवांटेज रहेगा यार। खैर कोई ना, फिर भी पाउंड बबल करते हैं हम। पाउंड में इसलिए नहीं कर रहा, फिर वो है ना पैरालाइज हो जाता है यहाँ से, लेकिन फिर भी हो उसको कुछ फ़र्क नहीं पड़ा, तो हमें पौंड ही करना पड़ेगा क्योंकि उसके पास एडवांटेज है यार, जीत ना जाए भाई कोई। वैसे मेरे पास ना पोशन भी पड़ा हुआ है, हारे ना भाई बस पॉल से तो नहीं हारना मेरे को, वो भी फर्स्ट बैटल मेरी। अरे नहीं 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 ओके 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 रुक जाओ, हमारे पास ना वो पड़ा है, रुक जाओ एक चीज़ पड़ी है मेरे पास। अच्छा हुआ हमने उसको उठा लिया, तो चिमचार को तो हम ऐसे ही हरा देंगे भाई, अपने पास एडवांटेज। ये क्या करा और एन बेरी, ओ रिस्टो खुद ही निकल लिया भाई, लेकिन फिर भी भाई हम एडवांट वो नहीं लेंगे थोड़ा सा। चिमचार यूज ले लिया, अच्छा हुआ भाई इसने लेयर यूज़ करा।
इसको बबल करते हैं भाई, इसको ख़त्म करते हैं। अरे भाई इसको स्क्रैच कितना लेके गया भाई। ओके तो सेम एचपी पर हैं, बस ये पहला अटैक ना करे यार। अरे भाई गए, अरे यार शिट, यही नहीं चाहिए था। लेकिन भाई मैं पिछली बार चार मेडल लाया था, उसने हरा दिया था पॉल को। खैर कोई ना, इससे अच्छा मैं चार मेडल ही चूज़ कर लेता भाई, वो बहुत तगड़ा लड़ रहा था यार। चलो कोई ना, फिर से चलते हैं, हो सकता है शायद फिर एक और बैटल हो, फिर होगी। हाँ भाई चलो ठीक है, एक बार वो करते हैं, पिछली बार ले, लेकिन हमारे पास ना इस बार वो नहीं है पोशन वगैरह, तो दिक्कत हो सकती है। लेकिन इस बार हमारा लेवल ज़्यादा है, तो यहाँ से पॉन करते हैं। ठीक है कोई नहीं, एक और पाउंड। ओके इस बार सही चल रहा है, लेकिन पैरालाइज फिर हो गया। बस एक एक पाउंड और मार दे भाई, पैरालाइज के वजह से वो हिल नहीं पा रहा यार। चलो लेकिन वो तो गया, लेकिन हमारे पास अब कुछ भी नहीं है, हम लोग फिर हार जाएंगे ऐसे तो, मटके रहेंगे। और वैसे हमारा लेवल बढ़ जाएगा तो हम लोग हरा देंगे। अरे यार भाई फिर हार गए, ये गलत हो रहा है भाई। भाई सच में चार मिनटर ही ले लेता भाई, वो आराम से हरा रहा था यार इन लोगों को। मुझे लगा फ्रॉकी है तो वाटर टाइप का एडवांटेज रहेगा, कुछ फ़र्क नहीं पड़ रहा। लेकिन ओके कहाँ था, इधर ही था ना। हाँ भाई जब तक हम इसे जीतेंगे नहीं, ये बैटल ही करता रहेगा, मेरे को पता है। ठीक है हम पॉन्ड ही करेंगे, तो इसके बाद और कोई सा मूव भी नहीं है। सेवन पे तो भाई चार मिनटर को सीख जाता है, अच्छा सा ही मूव रहता है भाई। ओके इस बार इसको हरा दिया, लेकिन पैरालाइज तो फिर भी हो गया बबल। और ये ओके इस बार क्रिटिकल मारा हमारे फ्रॉकी ने। ओके इस बार हम जीत गए, ठीक है भाई इस बार हम लोग जीत चुके हैं। फ्रॉकी लेवल 8 का हुआ है, इसी से लड़ते लड़ते क्विक अटैक। चलो फाइनली कोई सा अटैक सीखा इसने, और चलते हैं हम। डोंट गेट एक्साइटेड अबाउट दिस विक्ट्रीज, हाँ भाई रोने लगा भाई। चलो कोई ना, चलो हम लोग एक बार हील करते हैं, फिर हम लोग भाई जाने वाले हैं जिम लीडर से मुलाकात करने, उसके जिम बैज लेकर आते हैं। चलो यहाँ से, ओ भाई मेरे को नहीं पता कौन कौन से उसके पास पोकेमोन है, यही है ना आई थिंक जिम, हाँ यही है। रुक रहा यहाँ से नहीं जा सकते, ओके यहाँ हर जगह से पकड़ लिया। मैंने सोचा भाई मैं पीछे से चला जाऊँगा, लेकिन पकड़ लिया भाई। एक तो दो दो पोकेमोन है यार, पहले इन लोग को अलग हरा, फिर जाकर उससे लड़ते हो, क्विक अटैक करते हैं। अरे भाई को अब इससे कुछ भी नहीं हुआ भाई, जब बबल करके देखते हैं। ओके हाँ इससे फ़र्क पड़ा उसे, इसका नाम क्या है भाई, न्यूमल कैमल से इंस्पायर्ड है शायद। और भाई तुम लोग लाइक वगैरह कर दो, और वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब भी कर देना, तुम लोग के ऊपर है। लेकिन देख रहा हो तो भाई देखो एक लाइक कर ही दो भाई। मेरे को ये समझ नहीं आ रहा है, ये फायर टाइप है लेकिन लोग को इतना डैमेज क्यों नहीं जा रहा मेरे वाटर मूव से। अच्छा लेकिन इसका लेवल 10 भी है सिंडर कुल का, तो ये भी है। ओके तो फ्रॉक ही हो गया लेवल 9 का, ज़्यादा का ही होना चाहिए, नहीं लेवल 10 नहीं हुआ, मैं समझा लेवल 9 ही हुआ। इससे बचेंगे क्या? ओके बस दो ही ट्रेनर थे, हाँ फिर ठीक है, फिर इसके बाद हम लोग हील करके आएंगे, फिर इससे लड़ लेंगे, हमारा थोड़ा हेल्प हो जाएगा। वैसे भी मैक भी भाई देखो मैंने किया था ना यहाँ पे सारे वो ही हैं, मैंने गलती से पाउंड कर दिया बातों बातों, बबल करना था। इट्स नॉट वेरी इफेक्टिव, ये भी इफेक्टिव नहीं था यार। मेरे को ना पोशन वगैरह भी ले लेना चाहिए, क्योंकि काम आया हो कि हमारे पास एक ही पोकेमोन और जिम लीडर के पास पता नहीं कितने होंगे यार। एक फायर टाइप मेरे को ही पकड़ना पड़ेगा है ना, मैं सोच रहा हूँ ग्रॉलाइट को पकड़ लूँगा अभी, क्योंकि यहाँ पे मिलता है। ओके ये भाई इसको भी हमने हरा दिया 30 एचपी पर, नाइस। लेवल 10 का हो गया हमारा फ्रॉकी भी, लिक से क्या होगा। और ये एक और है भाई, तो समझा हरा दिया मैंने, मैं यहाँ खुशी मना रहा था, पर कोई ना देखो हम हरा देंगे फिर भी। बस ये ग्रोल वगैरह कर दे तो हम लोग जीत सकते हैं,
अरे यार हार गए, कोई ना, मैं सोच रहा हूँ ना एक ग्रोलिप भी पकड़ के ले आऊँ, फिर इससे लड़ते हैं ना। बाकी मैं तुम लोग को लोकेशन बताता हूँ, देखो ग्रोलिप तुम्हें कहाँ मिलेगा। पहले हम इसको हील कर लें, या पोशन वगैरह भी हम लोग को ले लेना चाहिए। वैसे हमारे पास पोकेबॉल वगैरह पड़ा है, मैंने कुछ भी चेक नहीं करा भाई, पोकेबॉल्स तो है ही नहीं हमारे पास, फिर तो हमें खरीदना ही पड़ेंगे। पैसे पैसे कितने हैं? ओके पैसे हैं हमारे पास, तो पहले हम लोग ले लेते हैं पोशंस, ले लेते हैं पोशन, ले लेंगे 5 पोशंस, नहीं भाई इतने सारे नहीं, 5 पोशंस। 300 रुपये का एक है भाई, बहुत महंगा है। और 5 कितने ले सकते हैं, 5 पोकेबॉल्स ले लेते हैं भाई। लेकिन प्रोफेसर ओक को देना चाहिए था ना भाई। चलो ठीक है कोई ना, हमने अपने पास ही खर्च करें पैसे। इसमें तो भाई कोई पार्सल वगैरह का नहीं है। देखो यहाँ पे ना तुम लोगों को ग्रोलिथ वगैरह मिलता है। वो मैगमी भाई साहब, भाई ये मेरे को क्या मिल गया लिटरली ब्रो। इसको लिक करते हैं, वो लिक से भी होता है कुछ। ओके फ्रोक ही नहीं मेरे, बस ये ध्यान रखना है। और ये हमारा रुकना है, इसको सेव कैसे करूँ, इसको यहाँ से सेव कर लेता हूँ पहले, ताकि भाई दिक्कत ना हो आगे चल के, कुछ दिक्कत हो जाती है वरना। ओके ओके अब नहीं लिख करना हमें, अब भले ही अटैक करता रहे लेकिन हमें बचते रहना भाई। बड़ी मुश्किल से मिला है कसम से भाई। ओके बोल फेंकते भाई आजा। अरे भाई 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 मेरे को मैग भी चाहिए यार, इसको मैग मार बना दूंगा मैं भाई। देखो फायर पोकेमोन 4 ही 8 के बाद मेरे को मैकमार सही लगता है भाई। 5 ही पोके बोले कैसे आएगा ये मेरे को नहीं पता। एक तो फ्रॉक ही मर जाएगा तो दिक्कत। वैसे मैंने सेव कर लिया है मैं दोबारा से भाई। भाई बहुत उसमें आ गया हूँ मैं भाई, 2 ही पोके बोल बचे हैं और हमारा फ्रॉक ही भी जाने वाला है। अरे भाई गए हम। ओके अभी भी भाई फ्रोकी नहीं मरे, बस 2 HP पे और आखिरी पोके बोले, लेट्स होप कि भाई आ जाए। नहीं आया, रुक जाओ, वो कैसे करते हैं दोबारा वापस कैसे आते हैं यहाँ से। ओके तो यहाँ पे फिर से एक काम करते हैं, लिक ही करते हैं यहाँ से फिर भाई। जब तक नहीं आएगा ना तब तक मैं यही करता रहूँगा ठीक है। एक काम करता हूँ मैं ना, तुम लोग को पकड़ कर ही मिलता हूँ, वरना हो सकता है टाइम लगे अपन को इसलिए। ओके सो गाइस, मैंने बहुत ट्राई करा पर भाई वो आ ही नहीं पा रहा था, तो मैंने फिर पकड़ा ही नहीं भाई, क्योंकि वो हो ही नहीं रहा था ना भाई, इस वजह से तो मैंने रहन दिया। मतलब मैंने बहुत देर तक ट्राई करा पर कुछ भी नहीं हुआ भाई, वो पकड़ा ही में नहीं आ रही है। मैं एक भी बार बार मैंने उससे एक को करा ये वो, लेकिन और हाँ एक बात हो, जस्ट किडिंग गाइस, मैंने पकड़ लिया मैगमी को कैसे ना कैसे करके, लाइक बहुत बार, कम से कम मेरे को 20 बार तो करना ही पड़ा इसको कैच वगैरह बार बार, मतलब सेफ को बार बार खोल रहा था मैं तब जाके भाई आया है, वरना तो मेरी हालत इस तरह हो गई थी। तो ठीक है, तो भाई अभी हमारे पास मैग भी हो चुका है जो कि फायर टाइप है, तो अब मेरे को इतना दुख नहीं होगा कि मैंने चार्मेंडर क्यों नहीं पकड़ा, बिकॉज आई हैव मैग भी। ऐसा लग रहा है ना मैग डी बोल रहा हूँ। ठीक है तो पहले हम लोग को इससे निपटना होगा, सो इससे भी हम निपट लेंगे यार जरा। और ये क्या दब गया अब, ये कैसे हटेगा भाई, ये क्या दब गया मेरे से। अच्छा बी से कैंसिल होगा ना, हाँ हो गया। ठीक है इसके बाद मैक भी हमारे पास भी है, बट उसका लेवल अभी कम है, तो मैं उसका लेवल बढ़वा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं रहेगी मेरे को, क्योंकि मैं ट्रेनिंग करवाने में बहुत माहिर हूँ। ठीक है तो यहाँ पे बबल बबल करना है भाई, कुछ नहीं करना वो, क्योंकि इस पे बबल ही इफेक्टिव है, बाकी तो कुछ रहेगा नहीं। ये क्विक अटैक से ना वो अपने वाले मैगमे को हो रहा था डैमेज, तो इसको भी होगा आई थिंक, नहीं बच गया थोड़ा सा। एक काम करते हैं, लिक कर देते हैं। अरे यार शिट, ये गलत करा, पोशन लेके आते हैं तो। ठीक है भाई गया, अब इसके बाद ग्रोलिथ था। ठीक है लेवल 11 हो गया भाई, लड़ते लड़ते हमारा।
एक काम करते हैं, मैकबी को आगे रखते हैं। इसका लेवल कितना है पहले ये देखते हैं। ओके, तो ये भाई हमारा मैकबी तो कुछ नहीं कर पाएगा वैसे। तो फ्रॉकी को वापस ले लेते हैं ताकि दोनों को लेवल मिले, इसके ना ज़्यादा लेवल मिले। अरे भाई नहीं, ये मत कर यार, फ्रॉकी के साथ ही लड़ना है भाई हमें, रोवर मत करना भाई तू। देखो पोशन हमारे पास भी है तो हम लोग को दिक्कत नहीं है, इसलिए मैंने कर लिया। नहीं ओके, कुछ नहीं हुआ इससे। यह गलती करी हम लोगों ने, पोशन यूज़ करना था, बाइट कर लिया ना, फिर रोवर कर दिया भाई ने। ओके देख, तो मेरे को पता नहीं है ना कि ग्रोलिथ तो मैकबी को मार भी पाएगा कि नहीं। एम्बर करा, ओके अब मैं काम करता हूँ, पोशन यूज़ कर लेता हूँ भाई, बर्न हो चुका हूँ क्योंकि मैं बर्न लग गया मुझ पर। तीन पोकेबॉल बच गए थे, हाँ पोशन यूज़ करते हैं यहाँ से। अब उसकी एचपी कम है, हमारी ज़्यादा है, तो हमारे पास एडवांटेज रहेगा। फिर से बबल करेंगे यहाँ से, ओके गया। तो अभी भाई हील करके आएंगे पहले तो हम लोग भाई इसको। और मैक भी हमारा लेवल 5 का होगा, देखा काम करी भाई, ट्रिक ट्रिक हमारी काम करती है। चलो तो भाई मैं आता हूँ, क्या करके आता हूँ मैं आता हूँ भाई पोकेमॉन सेंटर से, ठीक है। ओके तो भाई मैं पोकेमॉन सेंटर से वापस आ चुका हूँ, देख सकते हो दो फुल हो गए हैं। और भाई ये फ्रेड, आई एम द लीडर ऑफ द मस्टैंग गेम, मस्टैंग का लीडर है भाई, लेट बैटल, आई वॉज लुकिंग फॉरवर्ड टू इट। ओके तो इसके पास 3 पोकेमोन है, पहला है सिंडिकुइल, ठीक है। तो यहाँ पे बबल करते हैं भाई हम, भाई इसके पास वाटर गन वगैरह कुछ भी नहीं आ रहा है फ्रॉकी को, तो कब सीखेगा ये भाई। वीडियो भी बहुत बड़ी हो चुकी है मेरे को पता है, बट देख लो यार थोड़ी तो, वैसे मैं कट वगैरह करूँगा तो हो सकता है छोटी हो गई होगी, लेकिन मेरे पास अभी 18 मिनट्स हो चुके हैं। यहाँ से भाई करते हैं बबल, और ये गया भाई सिंडकुइल, तो गया भाई आराम से चला गया, पता ही नहीं चला। और भाई बैकग्राउंड में कोई सी नॉइज़ आए गाड़ी वगैरह की तो उसको इग्नोर करना। ओके चिमचार, ओके इसका हमारा लेवल ज़्यादा है, इसका लेवल ज़्यादा था हमारा तो नहीं। ये क्या था, टोंट, टोंट मार रहा है। चिमचार यूज़ लीर, भाई हमारा अटैक क्यों मिस कर रहा है यार ये फ्रॉकी। लेकिन भाई हम लोग को ना मैकबी को बहुत ज़्यादा ट्रेनिंग देनी पड़ेगी ताकि उसके पास बहुत सारे मूव्स अनलॉक हों, क्योंकि फायर टाइप भाई पोकेमोन धांसू रहते हैं यार, और चारिज़ार्ड और मैकबार तो है ही भाई ख़तरनाक। और चारिज़ार्ड की तो बात ही अलग है, मैं चारमेंडर ही लेता, लेकिन मैंने कहा यहाँ पे फायर टाइप जिम लीडर है, और यह मर गया यार कोई ना। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि हम लोग को फिर से करना पड़ेगा, एक एम्बर करके देखते हैं। अगर भाई इसमें हारते हैं तो भाई हम लोग कल ही करेंगे, मतलब सेकंड एपिसोड में लड़ेंगे भाई इससे, क्योंकि मेरे को नहीं लगता अभी हम लोग कर पाएंगे इससे बैटल, क्योंकि मैक भी वगैरह हमारा बिल्कुल भी नहीं है। हाँ गाइस हम लोग कल ही कर पाएंगे, कल के एपिसोड में या कल या परसों आ जाएगा इसका सेकेंड एपिसोड भी, क्योंकि भाई मेरे को मज़ा आ रहा है गेम खेलने में। ओके भाई हमारी गए भाई, तो भाई मेरे हिसाब से तो अभी हम लोग को ट्रेनिंग की ज़रूरत है थोड़ी। और फ्रॉकी भाई मेरे हिसाब से बहुत ही वो है यार, मेरे को ज़्यादा कुछ खास नहीं लगा फ्रॉकी, बहुत वीक है यार फ्रॉकी। तो मेरे हिसाब से तो भाई आज के लिए इतना ही, अगर तुम लोग को वीडियो वगैरह पसंद आई है तो वीडियो को लाइक चैनल सब्सक्राइब कर देना, और मैं मिलता हूँ भाई तुम लोगों से सेकेंड एपिसोड में इसके। और तुम लोग बताना भाई तुम लोगों को सेकंड एपिसोड चाहिए, कैसा लगा गेम। और भाई सब्सक्राइब लाइक ज़रूर कर देना, भले ही सब्सक्राइब नहीं करो लेकिन लाइक कर देना और शेयर वगैरह भी कर देना, ठीक है। तो मैं मिलता हूँ सेकंड एपिसोड में विद ट्रेनिंग, बाय बाय।